गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न एप्लीकेशन फॉर लीव। आज हम क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए एप्लीकेशन फॉर लीव याद करना सीखेंगे और साथ ही लिखना सीखेंगे। देखिए, इसका जो प्रोफार्मा होता है उसी प्रोफार्मे में एप्लीकेशन लीव लिखी जाती है। आपको कॉपी में लाइनों को जोड़ के एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती। फर्स्ट लाइन में जैसे मैं आपको दिख रहा है बोर्ड में, सेम आपको उसी तरह लिखना है, ठीक है। और मैं एक बार पढ़ना आपको बता देती हूँ। टू द प्रिंसिपल सुरक्षा पब्लिक स्कूल लक्ष्मणपुर रीवा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टूडेज। योर ओबीडियंटली के नीचे अपना नाम लिखना है, क्लास जो है आपकी वो लिखना है और सेक्शन लिखना है। उसके बाद आपको जिस डे में आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो एप्लीकेशन लिखना है। एक बार मैं आपको फिर से लर्न करना बता रही हूँ। देखिए, आपके पास ऑप्शन रहता है, आप सर को एप्लीकेशन दे रहे हैं या मैम को, तो आप लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है, फिर एक कॉमा। चलिए हम पढ़ते हैं एक बार फिर से, जैसे आपको लर्न हो जाए। टू द प्रिंसिपल सुरक्षा पब्लिक स्कूल लक्ष्मणपुर रीवा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। रिस्पेक्टेड सर मैम, आप जिसको देंगे, यदि मैम को देना है तो आप मैम लिखेंगे और सर को देना है तो सर लिखेंगे। आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टूडेज। योर ओबीडियंटली के नीचे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। आज की डेट क्या है? आज की डेट 9 है, तो हम लिखेंगे 9/10/2020, ठीक है। इस तरह आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। जैसे आपको ये समझ में आ रही हो, बहुत ही अच्छे से, और साथ में एप्लीकेशन को लर्न भी करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय।